की वारदात में शामिल दो नाबालिग सहित सात आरोपियों को भाटापारा ग्रामीण पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 50,000 नकद व घटना में प्रयुक्त चार बाइक व मोबाइल जब्त किया गया है। आपको बता दें कि भाटापारा के मसाला कंपनी का मैनेजर विमल किशोर दुकान बंद कर 2,65,000 लेकर अपने घर तरेंगा जा रहा था, तभी पेंड्री मोड़ के पास तीन लोगों के द्वारा उसके साथ मारपीट कर पैसा लेकर फरार हो गए। वहीं एक अन्य मामले में खोलवा निवासी अंगेश से खोलवा मार्ग में मोबाइल लूट कर मोटरसाइकिल सवार तीन अज्ञात व्यक्ति भाग गए थे। दोनों मामले में प्रकरण दर्ज कर ग्रामीण पुलिस ने विवेचना में लिया। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि गुरु नानक वार्ड में एक नाबालिग कुछ दिनों से जुआ व शराब में अधिक पैसे खर्च कर रहा है, जिस पर से संदेही नाबालिका से पूछताछ में दोनों प्रकरण में शामिल होने के साथ अपने साथियों के विषय में जानकारी दी। तत्पश्चात ग्रामीण पुलिस ने घटना में शामिल गोवर्धन साहू, सुशील ध्रुव, ऋषि गोस्वामी, संदीप साहू, रवि कुमार व एक नाबालिग को गिरफ्तार किया। वहीं उनके कब्जे से 50,000 नगद, चार मोटरसाइकिल व मोबाइल को भी जब्त कर सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। भाटापारा से अमृत साहू की रिपोर्ट। तरेंगा मार्ग में लगभग दिनांक 11/3/2022 को सुरेश मसाला जो स्टोर है उसके जो मैनेजर है वो अपना 2,65,000 रुपए लेके जा रहे थे। तो शाम 8:30 बजे लगभग तीन लोग जो हैं उनको उनके साथ मारपीट कर उनसे 2,65,000 रुपए झोला को लेकर के लूट करके भाग गए थे। इस पूरी घटना में टोटल 6 लोगों को हमने अरेस्ट किया है। वह जो दूसरी घटना थी उसमें खोलवा में एक मोबाइल को तीन लोग अज्ञात लोग लूट करके ले गए थे। तो दोनों प्रकरणों में कुल मिलाकर के 7 लोगों को हमने अरेस्ट किया है। पहली जो घटना थी जिसमें 2,65,000 रुपए लूटे गए थे उसमें मुख्य रूप से तीन आरोपी जो तरेंगा में लूटे थे वो थे एक आबचारी बालक सुशील ध्रुव और गोवर्धन साहू। ये तीनों मोटरसाइकिल में जाकर के लूटे थे और बाकी तीन लोग उनको खबर दे रहे थे और रेकी कर रहे थे। और इसमें हमने 2,65,000 में से 50,500 रुपये रिकवर किया है। और दूसरे मामले में हमने जो मोबाइल है उसको रिकवर कर लिया है। जो मोबाइल लूट का मामला था खोलवा में इसमें ये टोटल कुल मिलाकर के 7 आरोपियों को हमने अरेस्ट किया है और 3 नग मोटरसाइकिल को हमने जब्ती किया है। क्या दोनों मामलों में जो आरोपी थे वो लगभग पूरे एक ही थे? दोनों मामले में लगभग सेम थे। और इसमें भाटापारा ग्रामीण पुलिस की बहुत अच्छी कामयाबी रही है कि मुखबिर सूचना के आधार पर से हमको ये पता चला कि आबचारी बालक जो गुरु नानक वार्ड का है वो जुआ में और बहुत सारी जगह पर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। जो 2,65,000 रुपए थे उसको सभी आरोपियों द्वारा बांट लिया गया था। और जो आबचारी बालक था उसकी खबर थाने में पड़ी तो उसके बाद हमने और उसमें तस्दीक की तो बाकी जो कहानी है वो सामने खुल करके आई है।